इन्हीं दिनी डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर ढिल्लों काफी विवादां च चल रहे ने। पहला गुरिंदर ढिल्लों ते किसानां दियां ज़मीनां हड़पण दे दोष लगे हुए ने। फिर मालविंदर सिंह ते सुविंदर सिंह दोनों भरावां ते रणवैक्सी मामले च गुरिंदर ढिल्लों नूं दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 नवंबर नूं अदालत विच पेश होण दे हुकम दित्ते सी। ते हुण एक ऑडियो क्लिप काफी तेजी नाल वायरल हो रही है, जो कि डेरे दी प्रचारक महिला बबीता राधा स्वामी दी दसी जा रही है, जिस विच उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी दे नाल गुरिंदर ढिल्लों दी तुलना की। सब तो पहला सुनो यह ऑडियो क्लिप। जैसे गुरु नानक देव जी इस दुनिया में आए थे, जब उन्होंने संसार को सच का होका दिया था, तो उनको भी बड़े बड़े राजे महाराजे कचहरियों में बुलाया करते थे और उनसे पूछताछ किया करते थे। गुरु नानक देव जी बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जवाब देकर आया करते थे। गुरु जी के जवाब सुनकर राजे महाराजे सिर झुकाकर उनके आगे बहुत ही अदब के साथ सिर झुकाया करते थे, उनका सर झुक जाया करता था। साध संगत जी बिल्कुल उसी तरह ही हमारे बाबा जी भी जाएंगे और जज के सवालों के जवाब देकर वापस आ जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सच बोलने वालों के साथ ऐसी घटनाएं आम होती ही रहती हैं। ऑडियो क्लिप वायरल होने तो बाद सिखा इसका भारी विरोध किया जा रहा है। इस मामले ते यूनाइटेड सिख पार्टी मुखी भाई जसविंदर सिंह राजपुरा ने इस दी सख्त शब्दां विच निखेधी की। अज एक आडियो सोशल मीडिया के उत्ते वायरल हो रही है। पंजाबी ट्रिब्यून अखबार दे विच भी खबर यह मुख तौर ते छपी है कि डेरा राधा स्वामी दे एक श्रद्धालु है, उहदी एक प्रचारक है बीबी बबीता राधा स्वामी, जिहदे वल्लों धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी की जिहड़ी तुलना है वह साध जिहड़ा डेरा ब्यास मुखी है उहदे नाल कीती गई है। इस आडियो दे विच यह बीबी कह रही है जिवें उहनां नूं दिल्ली दी कोर्ट वल्लों समन भेजे गए ने, उत्थे सद्दिया गया। उस संदर्भ दे विच यह बीबी कह रही है कि जिवें गुरु नानक साहब नूं वड्डे वड्डे राजे जिहड़े सद्दिया करदे सीगे ते ओह ढुकवें जवाब दे के उन्हां नूं चुप करा दिंदे सीगे, उन्हां नूं सहमत करा दिंदे सीगे। इसे तरीके नाल गुरिंदर सिंह डेरा ब्यास मुखी ने जिहड़े इह वी जाणगे ते इह वी उत्थे जाके उन्हां नूं ढुकवें जवाब दे के उन्हां नूं सहमत करनगे। सो इह किड्डी ही मंदभागी गल है। मैं इस बीबी नूं पुछणा चाहुंदा वां, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਘਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ 10 ਵਾਰੀ ਜੰਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ आपत्तिजनक गल्लां करदे ने या उन्हां दी तुलना करदे ने, इन्हां दा डटमा विरोध होना चाहिदा। ते थोड़े दिन पहला एक बाबे वल्लों भी इहो जी हरकत कीती सी कुवार स्वामी वल्लों, पर SGPC ने किड्डे शर्म दी गल है उन्होंने माफ़ी दे दित्ती झट। ते हुण देखदे आ ते SGPC या अकाल तख्त साहब तो यह लोग की उहदे खिलाफ सख्त कार्रवाई करनगे या इहदे लई भी जिहड़ी माफ़ी दी चिट्ठी है वह पहलां ही तैयार होवेगी। पर मैं सिख पंथ नूं जरूर अपील करदा, कल्ला SGPC या अकाल तख्त साहब दे जथेदारां उत्ते सारा कुछ ना आपां छड्डीए। अपने तौर ते इहो जिहे जिहड़े डेरे बने होए ने इन्हां दे विरोध दे लई अगे आईए, तां कि जिहड़े पंजाब दे गरीब लोक ने, किसान ने, उन्हां दी ज़मीनां इन्हां वल्लों दबियां जा रहीआं ने, उन्हां दे लई आपां हक सच दी उन्हां दी आवाज़ है जिहड़ी ओह बुलंद करिए। सिख जथेबंदी ने श्री अकाल तख्त साहिब नूं अपील कीती है कि गुरुआं दा मजाक उड़ाउण ते उन्हां दी तुलना किसी होर नाल करन वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहीदी है तां जो अजिही गलती करन वाले अगे तो सुचेत हो जाण। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाब। लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला देखने सब्सक्राइब करो चैनल पंजाब ते प्रेस करो बेल आइकन।